हेलो फ्रेंड, फिटर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखें वायुमंडल की परतें, जो वायुमंडल में कौन कौन से परत होते हैं उसको हम कैसे आसानी से याद रख सकें उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसका बहुत आसान ट्रिक आता है जो हमें आसानी से याद रख सके। तो ट्रिक है छोड़ सब को मैं आई बाहर, छोड़ सबको मैं आई बाहर। इसको आसानी से कैसे याद रख सकते, छोड़ सबको मैं आई बाहर। मान लीजिए दो लड़का और लड़की है और दोनों आपस में बहुत ज्यादा ही प्रेम करते हैं, तो प्रेम करते और दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के घर वाले रेडी नहीं है। तो क्या करेगा लड़का, लड़की बोलेगा यार हम लोग भाग चलते हैं, बाहर भाग चलते हैं कहीं। तो ये बोला छोड़ सबको, मैंने घर वाले को छोड़ छाड़ के सबको मैं आई बाहर। सब लड़की बोले कि घर वाले को छोड़ छाड़ को देता था मैं बाहर आ गया तुम्हारे साथ भागने के लिए। तो ये छोड़ सबको मैं आई बाहर, छोड़ सबको मैं आई बाहर। छोड़ छोड़ गया, क्या हो गया क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ये पृथ्वी की परत है, पहले पृथ्वी आता है उसके बाद क्षोभ मंडल आता है, क्षोभ मंडल के बाद सबको से मतलब हो गया संताप मंडल। संताप मंडल मैं से हो गया मध्य मंडल, मध्य मंडल। उसके बाद कौन सा परत आता है आयन मंडल, आयन मंडल। उसके बाद कौन सा मंडल आता है ग्रह मंडल, ग्रह मंडल, जिसे हम वाह मंडल भी बोलते हैं, वाह मंडल भी बोलते हैं या ब्रह्म मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, छोड़ सबको मैं आई बाहर। अब देखिए इसको कौन सा मंडल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब मान लीजिए क्षोभ मंडल ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ, संताप मंडल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ, तो ऐसे ही मंडल को कितने किलोमीटर तक फैला हुआ उसको आसानी से कैसे याद रखें। तो आपको एक नंबर याद रखना है 0 12 50, आप याद बोलना 0 12 50 80 500 से ज्यादा। ठीक है 0 12 50 80 500 इतना याद रखिए, 0 12 50 80 500 से ज्यादा। तो देखिए क्षोभ मंडल कितना होगा, तो हम ये लिखें 0 12। ठीक है फिर उसके बाद संताप मंडल क्या होगा 12 से 50, तो मैं लिखेंगे 12 से 50 किलोमीटर तक आएगा, ये इतना किलोमीटर तक, ये इतना किलोमीटर तक। और फिर अब बोला मध्य मंडल, तो मध्य मंडल आप 50 से चलेंगे 50 से 80 के बीच में आ जाएगा, ये मध्य मंडल हो गए 50 से 80 के बीच में। समझ में आ रहा हो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करिएगा। अब जैसे देखिए आयन मंडल, तो आयन मंडल अब 80 यहाँ खत्म हुआ, 80 से 500 हो गए, फिर आप लिखेंगे 80 से 500 किलोमीटर के बीच में कौन सा मंडल फैला हुआ, तो आयन मंडल। अब 500 से ज़्यादा, अब यहाँ पर लिखेंगे 500 से ज़्यादा किलोमीटर तक जो है वो किस में आता है ब्रह्ममंडल में। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं, सिर्फ बोलना आपको 0 12 50 दो बार में याद करना है, 0 12 50 फिर 80 500 से ज़्यादा, 0 12 50 80 500 से ज़्यादा। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं, आपको याद करने में तकलीफ नहीं होगी, आप भूल भी नहीं सकते हैं एक दो बार रिपीट कीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें।